वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी होम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही क्विक एंड इजी सैंडविच की रेसिपी, जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेसिक हैं और जो हर वक्त ही अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको बनाने का तरीका। सबसे पहले हमें चाहिए होगी ब्रेड, जो हमें सैंडविच बनाने के लिए हमने लिए, मैं यहाँ चार ले रही हूँ क्योंकि मैं दो सैंडविच बनाने वाली हूँ। फिर हमें चाहिए होगा यहाँ पे आलू, जो हमने बॉईल करके रख लिए हैं। दो आलू लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने नमक डाल के बॉईल किया था और इसे अब मैश करके यहाँ रख लिया है। फिर हमें थोड़ी सी चिकन चाहिए होगी, आप अपने अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा आपको कितनी चाहिए होगी। मैंने थोड़ी सी चिकन को यहाँ पे बॉईल करके उसमें नमक, काली मिर्च डाल के और अदरक लहसुन डाल के बॉईल किया था। फिर इसको आप श्रेड, आप हाथ से भी चाहे तो कर सकते हैं, मैंने चॉपर का यूज़ किया था। फिर आप एक स्मॉल साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा, जिसको इस तरह से चॉप कर लीजिएगा। दो हरी मिर्च ली है हमने। फिर यहाँ पे ले लेंगे हम चाट मसाला, मैंने एक टीस्पून लिया है और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ लेंगे केचप, कोई सा भी केचप आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, और मायोनीज। उसको हमने एक बॉल ले लिया, अब हम इसमें मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। थोड़ा सा हम इसको लेंगे और ब्रेड की स्लाइसेस के ऊपर इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। देखें, इसे हमने अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया है, अब इसको दूसरी ब्रेड से हम अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। तो हमने तवा ले लिया जो प्री हीट हो रहा था, अब इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया हमने। अब हम इस पर रख देंगे अपनी ब्रेड जो सैंडविचेस हमने तैयार किए हैं, कुछ अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे या सेक लेंगे, निकाल लेंगे अपने ट्रे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिक गए हैं। मैंने इसे तवे पे इसलिए किया है क्योंकि मुझे तवे पे बहुत अच्छे लगते हैं, इसको क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं। आप चाहें तो इसको अपने सैंडविच मेकर में भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप भी इसे ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चले चलती हूँ, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।